हेलो फ्रेंड्स, मित्तूज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्याज का बहुत टेस्टी यम्मी नाश्ता बनाने वाले हैं। तो ये नाश्ता इतना आसान है कि आप इसे नाश्ते में या हल्की फुल्की भूख में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से प्याज का टेस्टी नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने आज से पहले ये नाश्ता कभी नहीं खाया होगा तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फटाफट से प्याज का टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। प्याज का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने ये प्याज लिया है। प्याज को मैंने इस तरीके से गोल गोल पीसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले प्याज को छीलेंगे, छीलने के बाद प्याज को धो लेंगे। धोने के बाद हम उसे इस तरीके से गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज को पहले से ही कट करके रखा है। और यहाँ मैंने ये दो उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को मैंने उबाल कर छील लिया है। तो चलिए फटाफट से आलू को भून कर पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, और पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच जीरा डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे। और अब हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, चाट मसाला एक चौथाई चम्मच, गरम मसाला एक चौथाई चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चम्मच, और मसालों को इसमें ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल में मसाले मिक्स हो चुके हैं। यहाँ मैंने एक चौथाई कप उबली हुई हरी मटर ली है, हरी मटर डाल देंगे। अब हम इसे ये मैश किया हुआ आलू डालेंगे। आलू और मटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू और मटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ मैं आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मटर के दानों को हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। तो आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आलू का पेस्ट मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। जब तक वो ठंडा होता है तब तक हम बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो बेसन का घोल बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच से भी कम नमक थोड़ा सा डाल देंगे। 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच से कम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये सब चीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन का हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, थोड़ा पतला घोल बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बेसन का घोल बनकर तैयार हो गया है, और मैं दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है, और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हमारा बेसन का घोल भी बनकर तैयार हो चुका है। तो फटाफट से हम प्याज लेंगे और प्याज का एक स्लाइस लेंगे, और यहाँ जो हमने ये आलू का पेस्ट रेडी किया है, इस पेस्ट को प्याज के एक तरफ इस तरीके से हम दबा दबा कर अच्छे से लगा देंगे। प्याज की गोलाई को लेकर हमें इसे लगाना है। आप इसे हाथ से भी सेट कर सकते हैं, बहुत इजीली सेट हो जाएगा ये। इस तरीके से आप इसे प्याज पे फैला दीजिए। तो ये मैंने आलू का पेस्ट फैला लिया है। आप चाहे तो ऊपर भी एक प्याज का टुकड़ा रख के इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से बनाने वाली हूँ। एक तरफ एक प्याज का स्लाइस और दूसरी तरफ आलू का पेस्ट। इस तरीके से हम प्याज की जो टिक्की है इसे बनाकर रख लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी टिक्कियां भी बनाएंगे। दूसरा पीस लेंगे और इस पे भी आलू को अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ मैंने आलू और प्याज को अच्छे से सेट कर लिया है, और ये देखिए कितनी बढ़िया टिक्की की शेप बना दी है। तो आलू प्याज की बहुत ही टेस्टी टिक्की बनेगी। तो चलिए फटाफट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक आलू प्याज की टिक्की लेंगे और इसे बेसन के घोल में डिप करेंगे।
इस तरीके से इसे बेसन के घोल में डिप करके और इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने सभी आलू प्याज की टिक्की इसमें डाल दी हैं। अब जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई होगा, तब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हाई पे रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। डालते टाइम आप प्याज वाला हिस्सा नीचे रखें और जो आलू वाला पेस्ट लगाया आपने उसे ऊपर की तरफ रखें। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें इन्हें फ्राई करते टाइम। तो ये सभी एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इन्हें पलट लिया है और ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये हमारा क्रिस्पी आलू प्याज की टिक्की, या फिर आप इसे आलू प्याज का वड़ा कह सकते हैं, बनकर तैयार है। इसे आप हरी चटनी या और मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए। आप इसे चाय टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे, या फिर बच्चों को जब हल्की फुल्की भूख हो तब इन्हें बनाकर दीजिए। बच्चे ना एक बार खाएंगे तो बार बार जरूर मांगेंगे आपसे। तो आप इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा।